जी बताइए पूरा माजरा क्या है और किस तरीके से आपका नाम इसमें लिया जा रहा है। देखिए, सच कहूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये माजरा क्या है। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा नाम इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। मैं जब सुना मैंने ये चीज़, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई थी, बिकॉज़ मैं ना ही उन विक्टिम को जानती हूँ, ना ही कभी मिली हूँ, ना ही कुछ, कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, ना ही DIG सुनील पारस्कर उनको जानती हूँ, उनसे भी कोई बातचीत नहीं, कोई मुलाकात नहीं। तो ये मतलब मुझे इस चीज़ में घसीटा जा रहा है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और मेरी फैमिली भी थोड़ी हर्ट है इस चीज़, थोड़ी नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो क्या आपने सुनील जी से बात करने की कोशिश की इस पूरे मुद्दे को लेकर, या उस मॉडल से जिसने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया? अभी तो नहीं, बिकॉज इशू सीरियस है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। फिलहाल पुलिस इस चीज़ की जांच कर रही है, तो मुझे नहीं लगता मेरा बाहर निकल के कुछ करना सेंसिबल होगा। सारी बातें जो सच है, जो भी झूठ है, सब कुछ पब्लिक के सामने आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस चीज़ पे, तो आई डोंट थिंक सो मुझे निकल के कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। पुरुण जी, आप काफ़ी दिनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और आपने कई सारी कंट्रोवर्सी को, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपने सामना किया, चाहे उसके साथ आप जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, और क्या आपको क्या लगता है किसी भी कंट्रोवर्सी से सेलिब्रिटी को फ़ायदा होता है? देखिए, कंट्रोवर्सी ठीक है, नो डाउट, इट डिपेंड्स कि आप उस चीज़ को आप कैसे फेस करते हैं। मी बीइंग अ कंट्रोवर्शियल फिगर, जो मेरा नाम मुझे यहाँ पे मिला है इस इंडस्ट्री में, मुझे दिक्कत नहीं होती। देखिए, बिकिनी पहनना एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप ऐसी सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं, जब कुछ रेप जैसे वर्ड को आप यूज़ करते हैं, और अगर फ्यूचर में जब कोर्ट डिसीजन लेगा इस चीज़ की, और अगर ये कुछ अलग निकल के आएगा बाहर, तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत होगी। ऐसी ये बात, इट्स नॉट अ नेगेटिव पब्लिसिटी, देन इट्स अ डर्टी पब्लिसिटी। अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए अभी जो है राज सेट्टी के नाम से एक फोटोग्राफर है, जिन्होंने जो है दिल्ली में जो है रेप केस हुआ था बस के अंदर, उस तरीके का फोटो शूट उन्होंने जो है यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे जो है डाल दिया है, पोस्ट किया हुआ है, और जिससे उन्हें जो है तमाम बॉलीवुड से कड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है कि मतलब ये सब गलत है। ऑफकोर्स ये बहुत बहुत ज्यादा गलत है, आप इनडायरेक्टली महिलाओं की इंसल्ट कर रहे हैं, और बहुत बड़ी इंसल्ट है ये, बिकॉज रेप इतना बड़ा मुद्दा है इस वक्त इंडिया में। एवरी सेकेंड डे आप ये चीज़ सब जगह देख रहे हो, और इसमें अगर कोई उठ के ऐसी चीज़ कर रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, आपको कुछ भी करना है आप कीजिए, बिना किसी को तकलीफ पहुँचाए। अगर आप तकलीफ पहुँचा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। इसके अलावा वेल, मैं अपनी अगली मूवी की तैयारी में हूँ। इनफैक्ट उसकी न्यूज़ बहुत जल्द बाहर आने वाली थी, लेकिन इस न्यूज़ ने कुछ चीज़ें बिगाड़ दी हैं। बुरा लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, पर क्या करूं? तो इसके लिए आप लोग पुलिस कार्रवाई करेंगे? पुलिस अभी तक उन्होंने अभी तक मुझे बुलाया नहीं। ओके, वन सेकेंड, कार्रवाई पुलिस कार्रवाई भी आप लोग करेंगे? अच्छा, मैं करूँगी। इस जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगी, जब सच सामने आएगा, तो डेफिनेटली मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, वरना फिर कल को कोई भी उठ के अगर ऐसा बोल दे, तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा।